बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सब वधिया। अज दा अंडा मैं शेयर करांगी ऊंट दी जिहड़ी मछलियां नहीं होंदियां उन्हों स्टीम करांगे और उन्दा जिहड़ा हैगा मैं लीतियां ने। यह देखो इस तरह लैके उन्हें मैं ऐसा कट मार दिता है मछली के लैके ना इस तरह की देखो इस तरह कर लेना जी। तो यह है तकरीबन 1.5 किलो इन्हां दा वजन ही है अब जी। ठीक जे तो हूँ जो लसन एक गठा लसन हैगा जे इन मैं इन छिलके सवेर मैं धो लिता जे धो के इस्तेमाल करना। हम चुके सारा हाथ ना लेना हाथ चुके सारा असं सीरा बॉल ही आवे इनके बिच सुट्टो बड़े ही बाला तो वधिया टेस्ट आता जी आला कमाल हों जे। तो हूँ तुम ना 1/4 कप जो है जे ना 1/4 कप सिरके का जी ए सुट दो जी बिच ना ए नमक जे ए पाओ बिच तो इनू डीप कर दो पानी के नाल डीप करके इनू 1 घंटे वास्ते मैं रखागी। देख लो इन 1 घंटा हो चुके हैं तो इन उन्होंने डुबोया हुआ सी तो यह हूँ काफ़ी रेस्ट कर चुके इस पानी में तो इस तरह करो तो बड़ा आला ही इनके स्टीम होंगे तो हूँ इन्हें बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के असं इनू इन्हें बच्चे रख देंगे टोकरी जिन चाहे ड्राई हो जाए सारा ना तो इनू ड्राई करके फिर असं इनू करना फ्राई होने से जरा घी आए वो गर्म कर लें। एक जो है लसन का गट्ठा छिलिया देसी लसन जो ना थोम जिन्होंने कहते देसी थोम वो जे एक कह पा दिता जी। आ देख लो जो लसन कुटनी भी नाल ही है 1 इंच जो है अदरक का पीस ए बच्च कुट देने नाल ही भी नाल ही कुटिया जाए 1 इंच का देख लो अदरक भी वह भी सारा मैं नाल ही कुटनी पी है तो यह 8-10 हरी मिर्चा ए भी नाल ही कुट चलो कट्ठे सारा कुटिया जाएगा ना इस तरह। फिर इन्हों 1/2 घंटा हो गया रखे ने हूँ पानी सारा निकल गया ड्राई हो गया है जे तेल मैं खूब गर्म जरा किया जे सड़दा बलदा तेल पे आ जाए सड़ते बलदे तेल भी तुम्हें पाने हाथ बचा के हाथ ना साड़ लेना। ठीक है बस अपने हाथ बचा के सड़दा बलदा तेल होना चाहिए है स्लो फ्लेम में होना चाहिए बस सही तपदा सड़दा बलदा तेल च पाओगे तो बड़ा बेहतरीन होगा। देख लो इन तक 7-8 मिनट हो गए इन्हें कर दी इनू और इन साइडा ना मैं बदलती नहीं ऐसा ऐसा करके साइडा देखो कलर का किस तरह चेंज हो गया इनका कलर से बदलना 7-8 मिनट तो ज़्यादा फ्राई तुम्हें नहीं करना। ठीक हो गया जी यह हूँ 7-8 मिनट तो बाद मैं निकालन लगी हाँ हूँ इनू मैं करा ठंडा ठंडा करके फिर इसी मसाले लगावे। हूँ जी 1/2 किलो जरा दही आ जाए इन तो इन मैं इस तरह अच्छे कहीं फैंड लिता है नहीं तुम व्डे जे किसी बॉल जो तुम शायद लगे लगे उन पा छोड़ो सारा उन पाओ कोई बाटा लवो कोई बॉल लवो जो भी लगता जे घर से मौजूद ही आ जाए। ठीक है 1 टेबल स्पून जो नमक जे बाकी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून जरा जे जीरा है जे ये 1 टेबल स्पून इन ऐड कर दो और 1 टीस्पून जी अजवैन हैगी है यह ऐड कर दो टेबल स्पून जो चिली फ्लैक्स दर मिर्चा यह सुट्टो बिच 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर जी होंगे ने वो वाली सुट्टो तुम 2 टेबल स्पून सुखा धनिया पाउडर यह भी सुट्टो। हूँ तुम जो पेस्ट बनाया से यह वाला सारा पेस्ट लसन अदरक और हरी मिर्च का यह सारा जो है पावे मैं ना अच्छी तरह सारा डाल के हम तुम इनू कर दो एक दफ़ा मिक्स ना 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पीसिया हुआ जरा जो वह भी तुम सुट्टो बिच तो हूँ इन सारे चंगी तरह मुहब्बत ना रलाओ मिलाओ अपने से मिलाओ इन्हों जरा मछलियाँ इन जी इस तरह डीप कर दो सब तरफ सारा अच्छे तरीके सारा मसाला जो है ना इन्होंने उपर हाथ ना भावें ला लो सारा एक यानी कि कर दो इन्होंने अच्छे तरीके सारा ला लू के सारे इन उपर चिकन सारा इनू डीप कर देवो तो लसन अदरक जो है कुट के पाना ग्रैंड करके ना पाना इनू डीप हो गया तो उन्हें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता हरी मिर्च अदरक लसन हमेशा कुट के इंच यूज करना ग्रैंड ना करना इनू हूँ मैं तुम 2 घंटे भी रख सकते हो मैं ओवरनाइट रखागी तो फिर इसे स्टीम करांगे जी। हूँ मैंने ओवरनाइट ड्रेस रख लिता है जे तो असं हम पानी स्टीम स्टार्ट करने हूँ असं प्रैशर स्टीम देवे यह जो 1 किलो जरा पानी है 1 लीटर पानी इन डाल देवो इन असी है देखो एक दालचीनी तेज पत्ते 2 और यह जी इलायची है खोल के डालना और बाद 2 फुल ही गए इस डाल देंगे बड़ी अच्छी खुशबू आती है जो स्टीम होएगा ना बड़ा अच्छी खुशबू ना स्टैंड इस तरह रखना कि पानी स्टैंड तो नीचे होए उपर पानी ना और इन बटर पेपर अस लगा देंगे।
ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਿਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, 2-3 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਡਾਲ ਲਓ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 35-40 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੋਟੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਡਾਲ ਲਓ, ਘੀ ਡਾਲ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਇਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਂਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਇਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਗਰਮ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਲਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਿਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜੂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਫਟ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜੂਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਫਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੇਸ਼ੇ ਰੇਸ਼ੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਫਟ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਜੇ, ਤਿਆਰ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਬੈੱਲ ਆਇਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।